आपको दुश्मन समझता है तो इसका मतलब है कि उसको अपने जहन को इस मामले में क्लियर करना है, अपने आप को समझाना है, अपने आप को क्लैरिटी देनी है कि असल में उसने सही तरीके से एनालिसिस किया कि नहीं किया। इसमें कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप लोगों के बिहेवियर यानी इर्द गिर्द के बहन भाइयों के बिहेवियर्स दूसरे शख्स को ऐसा मैसेज देते हैं जिससे कि वो शख्स ये समझता है कि ये मुझे प्यार नहीं करते। तो इसमें ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस शख्स को, ख़ास तौर पे जो कि आपसे नफ़रत करता है यानी आपका भाई, कि उसको कौन से तरीके अपनाने हैं, किस तरीके से उसने आप लोगों को एक पॉजिटिव तरीके से लेना है, आप लोगों की पॉजिटिव साइड पे फोकस करना है, या अगर उसे जो चीज़ बुरी लग रही है उसके बारे में क्लियर करके उस पर आप लोगों को बताना है, ताकि आपको भी पता चले कि क्या इशू है जिस वजह से वो ऐसा फील करता है। तो इसमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है, यानी आपस में बातचीत अच्छे तरीके से, आर्ग्यूमेंट्स ना हो। जब अच्छे तरीके से बातचीत होती है, अपनी अपनी प्रॉब्लम बयान की जाती है, तो फिर दूसरे जो हैं आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, और ये बहुत ज़रूरी होता है। मोस्टली हम एक दूसरे की बातों को गलत इंटरप्रेट करके उसमें से बहुत कुछ अपनी मर्ज़ी का निकाल लेते हैं और प्रॉब्लम हमारी बढ़ती जाती है। इसके लिए थेरेपिस्ट बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, यानी साइकोलॉजिस्ट से आप गाइडेंस लें, साइकोलॉजिस्ट आप लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन का इशू है इसको रिजॉल्व करेंगे, आपके भाई को भी ट्रीट करेंगे, आप लोगों को भी ट्रीट करेंगे।